बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक होंगे, और हमेशा की तरह आपकी बहन की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं, आपने जो थंबनेल है, टाइटल है, उसमें देख लिया होगा कि ये व्लॉग किस बेस पे है। तो ये मेरा व्लॉग जो है छोटा सा व्लॉग है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आपको पता है, फिर रोज़े के साथ हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, और पहले ईद की शॉपिंग थी, उसके बाद फिर मैंने जो है शादी की शॉपिंग करना शुरू कर लिया, क्योंकि शादी भी साथ ईद के बाद जो है ना वो है। तो हमने वहाँ से जूती वगैरह ली अपने हिसाब से, जो हमें पसंद लगी, बच्चों के लिए भी, खुद भी। और फिर साथ हम लोग गए जो है वो कपड़े लेने थे फैंसी शादी के हवाले से। फिर इफ्तारी का टाइम करीब हो गया था, साथ ही इफ्तारी, मतलब काफ़ी देर फिर उसके बाद इफ्तारी होगी, इफ्तारी साथ ही, फिर वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे हम लोग चले गए। मेरी मम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, मैं थी, वहाँ पे हम लोगों ने ये इफ्तारी की। और वहाँ से फिर हम लोग दोबारा इफ्तारी के बाद जो है वो कंटिन्यू जो हमारा शॉपिंग का काम था वो कर लिया हमने। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि दूध पिलाने के लिए ग्लास और कुछ जो ज़रूरी थी। वहाँ पे मैंने देखा बहुत प्यारी प्यारी बास्केट्स थी, जिसमें आप बच्चियों को फ्लावर्स के पत्ते डाल के, जब बारात आती है तो आप लोग जो है इसमें डाल के पकड़ाते हैं, तो खूबसूरत लगता है। और साथ ही आजकल की बहुत प्यारी प्लेट्स निकली हुई हैं, जिसमें चिराग बने हुए हैं, उसके अंदर ऑयल जो है वो आप डाल लो, और साथ जो है आप उसमें मेहंदी वगैरह रख लो। डिफरेंट स्टाइल्स की, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ऐसे ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जदीद दौर के हिसाब से जो है ना आपको डिफरेंट स्टाइल में बास्केट्स भी मिलेंगी, मेहंदी की प्लेट्स भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्लेट्स थी। ये मैंने फिर उधर से वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने सोचा कि आप इसे शेयर करूँ, बहुत प्यारी थी। तो यहाँ ग्लासेस भी जो दूध पिलाने वाले थे, प्यारे प्यारे से डिफरेंट डिज़ाइनिंग में थे, ये देखिए। तो फिर वहाँ से हम लोग आगे काफ़ी देर फिरते रहे, मतलब कि हम लोगों ने कपड़े वगैरह जो जहाँ जहाँ से अच्छे लगे, मेहंदी के हिसाब से, वलीमे के हिसाब से, बारात के हिसाब से हम लोगों ने वो ख़रीदे। और फिर हम लोग थक हार के वहाँ ही साथ ही छोटा सा कैफ़े थे वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे हम लोगों ने फ्रूट चाट और साथ शेक वगैरह लिया और वापस आ गए। तो व्यूअर्स, उम्मीद आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।